गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है श्री तुलसी। श्री तुलसी वर्ल्ड की नंबर वन बेस्ट श्री तुलसी है जो INC कंपनी बनाती है। INC कंपनी हमारी लुधियाना की है और आज मैं आपको श्री तुलसी के बारे में बहुत सी बातें बताऊँगा जो आपको शायद नहीं पता होंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तुलसी जो है उसको हम उसको अपने भारतवर्ष में क्या कहते हैं, माता की तरह पूजते हैं। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए तुलसी जो है वो अमृत के समान है और रोगियों के लिए वरदान है। तुलसी हमारे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा पूजी जाती है। हमारे घर में जितने भी क्या कहते हैं गृहणियाँ हैं, माताएं हैं या बहनें हैं, वो सभी तुलसी की पूजा करती हैं। तुलसी का बाकायदा एक पूजा भी होती है। तुलसी एक तरीके से बहुत अच्छी एक ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ नाम मात्र से ही हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई व्यक्ति क्या कहते हैं मरने से पूर्व उसके मुख में तुलसी अगर हम एक बूंद तुलसी की एक बूंद रखने की या उसको पिलाने की पुराने ज़माने से रीति चली आ रही। यह संसार की बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी वायरल, एंटी फ्लू, एंटीबायोटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी व एंटी डिसीज है। तुलसी जो है मुख्य रूप से 5 तरह की पाई जाती है, श्याम तुलसी, राम तुलसी, श्वेत तुलसी, वन तुलसी और नींबू तुलसी। इन 5 प्रकार की तुलसियों का जो एक्सट्रैक्ट है उसको बिल्कुल निचोड़ के सिर्फ तुलसी का निर्माण किया जाता है, वो भी सिर्फ INC कंपनी द्वारा। बाकी मार्केट में आपको और भी कंपनी की तुलसी मिल जाएगी, जैसे डाबर है और भी बहुत सी कंपनी पतंजलि की है, लेकिन उन सबसे ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो मैं आपको तुलसी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो। तुलसी जो है 200 से अधिक रोगों में लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, डेंगू है, बुखार है, खांसी, मलेरिया, प्लेग, जोड़ों का दर्द, पथरी, मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, एलर्जी, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, जलन, मूत्र संबंधी बीमारियाँ, गठिया, दमा, मरोड़, बवासीर, अतिसार, आँखों के दर्द, दाद, खाद, खुजली, सिरदर्द, पायरिया, नक्सीर, फेफड़ों की सूजन, अल्सर जैसी बहुत सी बीमारियां हैं जिन सबके बारे में आपको पता होगा। लेकिन मुझे 200 बीमारियों के बारे में नहीं पता, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। तुलसी को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तुलसी को हम सबसे पहले तो जैसे हम लोग रोज़ सुबह उठ के चाय पीते हैं तो हम लोग एक बूंद चाय में डाल सकते हैं, या सुबह सुबह उठे खाली गुनगुने पानी में एक दो बूंद डाल के हमने तुलसी का सेवन कर सकते हैं। शुरू में आपको लगेगा बड़ा अजीब, लेकिन जब पीने लगेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और इससे आपके बॉडी में एंटीबायोटिक का काम करने लगेगी। तुलसी को हम खाना खाने के बाद भी सेवन कर सकते हैं। तुलसी पीने से हमारे पेट में जितनी भी बीमारियाँ हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। श्री तुलसी जो है हमारी स्मरण शक्ति को तेज करती है और बॉडी में जो हीमोग्लोबिन उसको भी बढ़ाती है। तुलसी हमारे उस बॉडी को स्फूर्तिवान बनाती है। तुलसी की 4-5 बूंदें पीने से महिलाओं को गर्भावस्था में होने वाली जो बीमारियां होती हैं, उल्टी यह है, सिरदर्द है, बदन दर्द है या और भी बीमारियां हैं, उनसे वो ठीक हो सकती है। अगर कहीं आग लग जाए या जहरीले कीड़े पड़ जाए, जहरीले कीड़े कहीं काट लिया, किसी मिच्छू ने काट लिया या मच्छर ने काट लिया, तो एक बूंद तुलसी लगाने से वहाँ पे आपको आराम मिल सकता है। सिर दर्द है, बाल झड़ना है, बाल सफ़ेद होना, सिकरी, श्री तुलसी की 8-10 बूंदें एलो हर्बल ऑयल मिलाकर सिल और बालों की जड़ों में लगाएं। अगर आपके कान में दर्द हो रहा है तो तुलसी को हल्का सा क्या कहते गर्म करके एक बूंद कान में डालें। अगर नाक में कोई पीनस रोग है जैसे पानी बहता है तो उसमें भी आप डाल सकते हैं, फोड़े फुंसियों में भी डाल सकते हैं, तो तुलसी को हल्का सा गर्म करके एक एक बूंद नाक में लगाएं, जिससे जो नाक में लगातार पानी निकलता है वो भी आपका बंद हो जाएगा। दांत में दर्द हो रहा हो तो दांत में भी आप एक बूंद तुलसी डाल सकते हैं, दांतों में कीड़ा लग गया तो लगा सकते हैं, मसूड़ों से खून आना भी बंद हो जाएगा। 4-5 बूंदों को डालकर आप कुल्ला भी कर सकते हैं। जिनके मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है जैसे मसाला खाते हैं, वो तुलसी को पानी में एक बूंद गर्म कर उसे गुनगुना पानी करके उसे क्या कहते हैं क्या बोलते हैं
कुल्ला भी कर सकते हैं आप लोग उससे। उसके बाद गले में दर्द है, मुंह में छाले हैं, गले में छाले, आवाज़ बैठ जाती है, जैसे सर्दी किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो बोल नहीं पाते हैं, तो वो गुनगुने पानी में 4-5 बूंद डाल के उसे डाल कर के लेते, उसे सो के उठने के बाद जैसे पेश करने के बाद हम लोग गरारा करते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर तुलसी को अगर आप चाहें तो अपने घर में क्या कहते डेली रूज डेली यूज में भी लेके आ सकते हैं। तुलसी जैसे हमें बहुत सारे अंदरूनी मतलब बीमारियां भी होती हैं, जैसे किसी को गुप्तांग की बीमारी है उसमें भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो गुप्त रोग बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में स्त्रियों को ज़्यादा मालूम रहता है, तो उन रोगों में कुछ हैं जैसे मासिक धर्म नहीं होता सही से, गुप्तांग है, पीड़ा भीतर क्या कहते घाव बन जाना, चीटी रेंगने की तरह पीड़ा होती है, तो उस तरह के लक्षण स्त्री हर समय बेचैन रहती है, महिलाएं गुप्त अंग से भी मवाद निकलता रहता है, कभी कभी खून भी निकलता है। तो तुलसी की 10 बूंदें 100 ml पानी में मिला के उसका हल्का सा घोल बना के और हल्का सा गुनगुना करके अगर आप इस घोल को अपने गुप्त अंगों तक अगर लेकर गुप्त अंगों को लगाएंगे बार बार भीतर तक धोएंगे तो वो सही हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके घर में कूलर है, जैसे आपके गर्मी आ गई है तो आप कूलर में भी तुलसी की 8-10 बूंदें डाल सकते हैं। कई लोग कहते हैं हमारे कूलर में कीड़े हो गए, बहुत सारे कीटाणु हो गए, जिससे अलग अलग तरह की दुर्गंध भी आती है, पानी चलता है तो हवा तो ठंडी आती है लेकिन जो दुर्गंध होती है उसका क्या इलाज होता है वो आप सबको मालूम है, जब बीमारी हो जाती है तब पता चलता है। तो आप तुलसी की बूंदों को पानी में जब आप डालें तो उसमें आप पानी की 8-10 बूंदें डाल सकते हैं, तो उससे क्या है कि पानी भी साफ होगा और जो कीटाणु या कीटनाशक जो आपके पानी में सड़ गए हैं, क्योंकि कूलर में लगी होती है घास अब बहुत से लोग तो हर साल चेंज करते हैं, बहुत से लोग नहीं चेंज करते हैं, वो कहते हैं इस साल चल रहे तो अगले साल देखेंगे, तो उनमें वो फ़ायदा कर सकता है। उसके साथ मक्खी मच्छर भी भाग जाते हैं घर में, जुएँ अगर बाकी बालों में जुएँ हो जाती हैं, लीकें हो जाती हैं, तो तुलसी और नींबू का रस समान मात्रा में मिलाकर सिर के बालों को अच्छी तरह से लगाएं। एक तरह से जैसे शैम्पू करते हैं या बालों में तेल लगाते हैं, उसी तरह एक एक बालों की जड़ तक लगाएं, उसको 3-4 घंटे तक लगा के रखें और फिर सिर धोएं, और रात्रि को लगाकर या तो आप जैसे सुबह उठे फिर आपने अपना वो मिक्सचर जो बनाया है नींबू और तुलसी का वो लगा के या तो अपने घर के काम करें फिर नहाएं 4-5 घंटे बाद, या रात में लगा के सोए और सुबह अपने बाल धोएं, तो उससे भी आपको जुए और लीकें आपकी मर जाएंगी। उसके बाद श्री तुलसी की 8-10 बूंदें अगर आप बाल्टी में मिलाकर अगर आप डाल लें और फिर उससे नहाएं तो आपकी जो त्वचा संबंधी रोग है वो भी जड़ से जा सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारे दाद हो गया, जा ही नहीं रहा, यहाँ पे निशान बन गया या यहाँ पे निशान बन जाते हैं, कई लोग यहाँ पे निशान बन जाते हैं, तो वो उससे जा सकते हैं। अगर तुलसी एक तरह से ब्यूटिशियन का भी काम करती है, हमारे चेहरे का ब्यूटी भी सौंदरता भी उससे आ सकती है, तो तुलसी में सुंदर और निरोग बनाने की भी शक्ति है, ये आपकी त्वचा को कायाकल्प कर सकती है, शरीर के खून को साफ करती है, शरीर को चमकीला बनाती है। तुलसी और रूपायन तेल की 3-3 बूंदें एलो हर्बल व स्किन केयर जेल में मिलाकर चेहरे से सुबह और रात अगर आप धोते हैं तो त्वचा में जितने भी आपके फंगस जम जाते हैं, जैसे नाक के ऊपर कीले नहीं जम जाती वो नहीं होंगे, तो चेहरे में जैसे काले भूरे धब्बे हो जाते हैं आंखों के नीचे, लोग कहते हैं मेरी आँख नीचे बहुत ज़्यादा रिंकल्स हो गए, तो बच्चे लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा पड़ते होंगे शायद इस वजह से ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारे जितना हम चेहरे को अपने साफ रखेंगे उतना ही हमारा फ़ायदा होगा। तो काले भूरे धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, कील मुहासे हैं, झुर्रियाँ, ये सब नष्ट हो जाती हैं। श्री तुलसी जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सफ़ेद दाग, तो श्री तुलसी 10 ml को नारियल के तेल में 20 बूंदें पंच तुलसी की डालकर सुबह एवं रात में सोने से पहले अच्छी तरह के मलें, तो उससे आपका फ़ायदा होगा। उसके बाद श्री तुलसी की 1 गिलास पानी या चाय में 4 बूंदें 1 लीटर पानी में डालकर पीना चाहिए। तुलसी पीने में तो बहुत बहुत अच्छा है, आप जैसे सुबह ऑफिस जाते हैं या क्या कहते घर में ही हैं, पानी का जग भरते होंगे उसमें 4-5 बूंद डाल लें, आपका चलता रहेगा 2-3 घंटे तक, फिर ख़त्म हुआ फिर डाल लें, आपके ऊपर है, आप जैसे इस्तेमाल करना चाहें उस तरह से करें।
उसके बाद निरोगी जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन श्री तुलसी की 4-5 बूंद तो पीनी ही चाहिए। अगर आप INC में बिजनेस करना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क कर सकते हैं। INC में बिजनेस करना बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। आप इसमें इन्वेस्ट करके पैसे भी कमा सकते हैं, पैसे और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इस समय लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। अभी जैसे देश में बताया जा रहा है कि 3री लहर आएगी, फिर 4थी लहर आएगी, तो जॉब का कोई भरोसा नहीं है, तो आप इस सब में भी आके हमारे साथ सहयोग कर सकते हैं। गुड INC, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।